Assalamualaikum. I am Nasir here from Spoken English, Bhatkal. अक्सर इंग्लिश के वर्ड्स स्कूल स्टूडेंट गलत पढ़ते हैं. जैसे एक वर्ड मैं अभी आपके सामने टाइप करूंगा और वो है लिसन. LISTEN. इसको हम लिसन पढ़ते हैं. यहाँ पे टी पढ़ के नहीं जाता है. लिसन की मानी जो होती है किसी की कही भी बात को सुनना या उस पर अमल करना. उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिसन. मसलन लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो. मैं अभी आपको और एक वर्ड सिखाऊंगा और वो है ऑफन. लेकिन लिखते इसको है हम ऑफन, OFTEN. इसको हम टी साइलेंस करके पढ़ना है. ऑफन कहते हैं. ऑफन की मानी जो है अक्सर करके. फाइन, ही कॉल्स मी ऑफन, यानी वो अक्सर मुझे कॉल करता है. ही डिस्टर्ब्स मी ऑफन, वो अक्सर मुझे परेशान करता है. और एक वर्ड आपको मैं टाइप करूंगा, फॉरगेट. स्टूडेंट अक्सर इस वर्ड को हम पढ़ते हैं फॉरगेट. इसको फॉरगेट नहीं फॉगेट पढ़ के जाता है. यहां पे इस वर्ड में आर को बिल्कुल पढ़ के नहीं जाता है मगर लिख के जाता है. फॉगेट यानी भूलना. डोंट फॉगेट टू कॉल मी, मुझे कॉल करना मत भूलना. मैं आपके सामने और एक वर्ड सिखाऊंगा और वो है फॉगॉट. मगर इसकी स्पेलिंग जो है फॉगॉट की FORGOT. फॉगॉट, फॉगॉट, फॉगॉट की मानी होती है भूलना. इसमें भी आर पढ़ के नहीं जाता है. आई फॉगॉट यानी मैं भूल गया. आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना मत भूलना. और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना. हो सकता है कोई ऐसा लड़का या लड़की हो जो इंग्लिश सीखना चाहती हो, इस वीडियो के जरिए छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स वो जरूर सीखेगी या सीखेगा. थैंक यू वेरी मच.